गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं मैंने 19 को एक प्रोडक्ट ख़रीदा था जो कि है ये डैश स्लिक 2-in-1 स्कूटर फॉर किड्स। स्कूटर स्कूटी राइड ऑन किड्स 3+ एज का है और ये ट्रांसफॉर्मिंग स्कूटर है। सो ये दो तरीके का स्कूटर बन जाता है। तो ये रहा, आपको फोटोज़ में दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का, आपको पहले मिल जाएगा उसके बाद इस तरीके से बन जाएगा। सो 1709 रुपए का मुझे पड़ा है, लेकिन इसकी काइंड ऑफ क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। सो अगर आपका मन है तो लेने का, तो आप पूरा वीडियो फुल देख सकते हैं कि मैंने इस रिव्यू में क्या कहा है। फटाफट देखते हैं कैसी पैकेजिंग आई है। तो जो इस साइकिल की अनबॉक्सिंग आती है, 2-in-1 साइकिल आप इसको बना सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इसको लेने का मन है तो आप मत लीजिए। बिकॉज अगर आपको चाहिए, क्योंकि इसमें आगे ना व्हील्स नहीं थे जिससे बच्चा ना पैर को चला सके, कुछ कर सके। सो ये क्या था ना, जस्ट अ सेक बैलेंस साइकिल के नाम से बेचा जा रहा था अमेजोन पे, लेकिन मुझे काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगा। इसके रिव्यू मैंने अब जाके दे रही हूँ, मतलब मान लीजिए 2 महीने के बाद इसका रिव्यू हो रहा है। तो बैलेंस साइकिल कुछ इस तरीके से अनबॉक्सिंग हो रही, इस तरीके से आप इसको स्विच कर सकते हैं। एक्चुअली ये रिटर्न होने वाला था, तो मैंने सोचा वाई नॉट टू मेक अ वीडियो, थोड़ा सा क्लिपिंग देख सकते, 2 मिनट का वीडियो बनवाया, ज़्यादा भी नहीं बनवाया। तो इसमें ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन का भी नहीं है, बहुत ही इजी था। अब मैंने जिस तरीके से आपको दिखाया, आपको इसी तरीके से इंस्टॉलेशन करना है अगर आपका मन है इसको लेने का। लेकिन मैं कहूँगी जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, मुझे नहीं लगा कि कुछ खास अच्छा है। तो बच्चे ना इसमें बैठने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, मुझे अच्छा नहीं लगा। बैलेंस साइकिल था कि 2-in-1 वाला था कि एटलीस्ट बच्चा इसको यूज़ कर सकता है। और बस ये 2 साइकिल आप देख सकते हैं, यही है, इसको आप आराम से बहुत ही ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, आपका मन है तो लीजिए, अदरवाइज इट्स फॉर मी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। थैंक यू।